गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञानोदय एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। क्लास एट्थ के लिए आज लेके आए हैं चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नेम है लाख की चूड़ियाँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। बहुत ही अच्छी कहानी है लाख की चूड़ियाँ। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और पूरा डिटेल इसकी जानते हैं। देखिए कहानी में क्या बताया गया है। कहानी में बताया गया कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता है। यहाँ पे जो कहानी बताई जा रही है उसमें बता रहे हैं कि जो लेखक है उसे सारे गांव में सबसे अच्छा क्या लगता था? बदलू लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर, देखिए एक बच्चे के रूप में बात हो रही है यहाँ पर, और एक बच्चा क्या कह रहा है कि गाँव में उसे सबसे अच्छा बदलू लगता था, क्योंकि वह मुझे, यानी वह यहाँ किसके लिए आया है? बदलू के लिए आया। सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था, लाख का जो चूड़े बनते हैं उसकी लाख की गोलियाँ बना के देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। वो बच्चा कह रहा है कि मैं अपने मामा के गांव इसीलिए जाना चाहता था क्योंकि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी बच्चे का मन मोह ले। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है उसके मामा के गाँव में बदलू रहता था, जो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। ये कह रहा है कि मेरे मामा के गांव का था बदलू, इसलिए मुझे बदलू मामा उसे कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। वो बच्चा, ये बचपन की बात बता रहे हैं लेखक की, कि जो बच्चा है वो अपने मामा के गाँव में जो बदलू व्यक्ति था, जो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था, उसे बदलू मामा न कहकर क्या कहते थे? बदलू काका कहा करता था। जैसा कि गाँव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, गांव के सभी बच्चे भी उसे बदलू काका ही कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे बना पर बना था, यानी उसका मकान कुछ ऊंचाई पे बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। यानी कि उसके गांव, जिस गांव में बदलू रहता था, उस गांव में जो बदलू का मकान था उसके अंदर किसका पेड़ था? नीम का पेड़ था, नीम का वृक्ष लगा हुआ था। और उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बदलू क्या करता था? उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बदलू जो है वो अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी, यानी बदलू जब लाख की चूड़ियाँ बनाता था तो उसके बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख को पहले पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके, यानी लाख को पहले पतला कर लिया जाता था, चूड़ी का आकार देता था। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये भट्टी है और एक लोहे का ये सरिया सा है इसके पास, जिसके अंदर वो लाख को डालता था तो वो गोल उसको क्या करता था? चूड़ी का आकार देता था। ये आप इस पिक्चर में, इस फोटो के अंदर आसानी से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। पास में चार छह विभिन्न आकार की बेलननुमा मुंगेरिया रखी थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। देखिए क्या कह रहा है, मुंगेरिया जो कह रहा है कि एक लोहे का होता था जो आगे से मोटा होता था और पीछे से पतला होता था। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरिया पर चढ़ाकर गोल और चिकना बना देता था और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। यानी क्या करता था बदलू पहले चूड़ियाँ बनाता था और चूड़ियों को बनाने के बाद उन पर विभिन्न प्रकार के रंग चूड़ियों पर कर देता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। हमेशा वह एक माची थी, खाट थी जिस पर वो बैठ के ये काम करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था। बगल में ही बदलू का क्या रखा रहता था? बगल में ही बदलू का एक हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता, यानी जो बदलू है वो हुक्का पीता था। गाँव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था, यानी जब भी बच्चा मामा के पास जाता था तो गाँव में दोपहर के समय में बदलू के पास ही बैठता था। वह मुझे लला कहा करता था, जो बदलू है वो छोटे बच्चे को क्या कहा करता था? बदलू छोटे बच्चे को लला कहकर पुकारा करता था और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता था। मैं घंटों बैठ बैठ कर उसे इस प्रकार की चूड़ियाँ बनाते देखता था। लगभग रोज़ ही वह चार छः जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि जो बदलू था वो डेली की अगर हम बात करें, रोज़ाना चार से छः जोड़े चूड़ियाँ बनाता था और छोटा बच्चा दोपहर में उसी के पास बैठा रहता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ने होकर किसी नववधू की कलाई हो। वो क्या करता था कि जोड़ा बना लेने के उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण तक देखता रहता था और ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई नववधू की कलाई हो। बदलू
मनिहार था, यानी बदलू की जाति क्या थी, मनिहार जाति थी, और चूड़ी बनाना उसका पैतृक पेशा था। बदलू का जो पैतृक पेशा था वो क्या था, बदलू का जो पैतृक पेशा था वो था चूड़ियाँ बनाना। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता, उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, यानी गांव के अंदर उसकी बनाई हुई जो चूड़ियाँ हैं उनका बहुत यूज़ किया जाता था, लेडीज़ को बहुत पसंद थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई चूड़ियां पहनती ही थी, आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से ना बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते। देखिए ये बता रहा है कि पहले वस्तु विनिमय चलता था, सामान के बदले सामान देना, आज मुद्रा चलती है, हम पैसे देते हैं और पैसे के बदले में हम चीज़ या वस्तु ले लेते हैं। तो ये कह रहे कि बदलू पैसे नहीं लेता था, वो वस्तु विनिमय को अपनाता था, और बदलू क्या करता था, उन चूड़ियों के बदले अनाज को लेता था। बदलू स्वभाव से कैसा था, बहुत ही सीधा था। बदलू स्वभाव से कैसा था, बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था, जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए। देखिए उसका एक रूल था, जीवन में चाहे उससे कोई मुफ्त चूड़ियाँ मांग कर ले जाए, लेकिन विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और, अगर किसी का विवाह होता था तो वो चूड़ियों का उसकी कीमत पूरी लेता था। मुझे याद है, बच्चा कह रहा है मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया, कौन बिगड़ गया था, बदलू बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगने का मतलब बड़ी मुश्किलों से बदलू को मनाया गया। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपये जो मिलते सो अलग। देखिए वो बदलू जो एक चूड़ियों के बदले सिर्फ अनाज का काम करता था, लेकिन जब भी किसी के घर में विवाह होता था तो उन्हीं जो जोड़े जो चूड़ियों का जोड़ा होता था उसका मूल्य इतना बढ़ जाता था कि जो बदलू की वाइफ है उसे बहुत सारे वस्त्र दिए जाते थे, जिनके घर में शादी होती थी उनके द्वारा ढेरों अनाज मिलता था, और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी, और जो रुपए मिलते थे वो अलग से मिलते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कि कांच की चूड़ियों से। देखिए बदलू को किसी से अगर चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी, क्योंकि वह लाख की चूड़ियाँ बनाता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता, और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में उससे पूछता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, और वह उत्तर देता कि शहर की बात और है लला। बच्चा कहता था कि शहरों में तो हर औरत कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, लेकिन वो कहता था कि शहरों की बात तो और है लला। बच्चे को लला कहकर पुकारता था, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मौज ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। देखिए क्या करता था, बदलू को बच्चा बहुत ही प्यारा लगता था, और बच्चा दोपहर के समय जब भी समय व्यतीत करने के लिए बदलू के पास जाता था तो बदलू क्या करता था, बदलू उसकी अच्छी खातिरदारी करता था, और जिस दिन उसकी गाय की दूध देती थी तो वह उसके लिए मलाई बचा कर रखता था। देखिए आप ये देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से कि किस प्रकार बदलू और बच्चे के बीच में एक मित्रता, या हम कहें कि पवित्र रिश्ता दिखाया गया है, कि किस प्रकार बदलू जो है वो बच्चे से के साथ भावुक होकर उससे बातचीत कर रहा है। अब देखिए क्या है, मलाई बचा कर रखता था, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही, और जब भी आम की फसल आती थी तो ये कह रहा है बच्चा कि रोज़ ही लेकर कह रहे कि मैं उसके यहाँ से दो चार आम खा आता था, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए एक दो गोलियाँ बना देते। देखिए बच्चा बदलू के पास क्यों जाता था, कि बदलू का जब भी जाता था बदलू लाख की गोलियाँ बनाकर उसे खेलने के लिए दे देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था, और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय वापस आ जाता था, परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली होगी। यहाँ बताया जा रहा है कि छोटा बच्चा अपने मामा के यहाँ दो तीन बार ही गया था, और उसके जो पिता है उनकी बदली हो जाती है एक शहर के अंदर, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव न जा सका, और जो ज़्यादा दूरी पर बदली हो जाने के कारण वो छोटा बच्चा अपने मामा के गांव तक काफ़ी समय तक नहीं जा पाया। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं। अब वो छोटा बच्चा जो लाख की गोलियों से खेलता था बदलू के द्वारा बनाई गई, अब वो इतना बड़ा हो गया था कि लाख की गोलियों में उसकी अब कोई रुचि नहीं थी।
अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ही नहीं आया, यानी जब वह अपने मामा के गया तो उसे कई दिनों तक तो बदलू के बारे में विचार ही नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। उसने देखा कि इतना बदलाव आ गया 8-10 सालों में कि गाँव की वो स्त्रियाँ जो लाख की चूड़ियाँ पहनती थी उन्होंने कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी, यानी कि बहुत कम ही हाथ हैं जिनमें लाख की चूड़ियाँ देखी थी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान होया और तभी मुझे अचानक किसका याद आया, बदलू का याद आया जिसके पास बचपन में मैं जाकर लाख की गोलियाँ वो मुझे बनाकर देता था और मैं उनसे खेलता था। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। बदलू के गांव में जब जाता है वो बच्चा अपने मामा के जाता है तो कह रहा है कि उसके मामा की जो छोटी लड़की थी वो आंगन में फिसल गई थी खेलते खेलते, और फिसलने के कारण उसके हाथ में जो कांच की चूड़ियाँ उसने पहन रखी थी वो टूट कर उसकी कलाई में घुस गई थी। उससे खून बहने लगा था। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी से ऐसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देरी तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका। देखिए जिया लेखक क्या कह रहा है, बच्चा कह रहा है कि मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया, मैं हूँ जनार्दन। उसने कहा, काका मैं जनार्दन हूँ और आपके पास से मैं बचपन में आता था और गोलियाँ बनाकर ले जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा, मतलब वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि ये बच्चा कौन है। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिनों बाद गाँव आए। तो वो पहचान गया और उसने कहा, आओ ललो यहाँ बैठो, बहुत दिनों बाद आप गाँव आए। हाँ इधर आना ही नहीं है, उसका काका मैंने चारपाई पे बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही, मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते क्या काका, मैंने बदलू काका से पूछा कि आजकल आप काम नहीं करते क्या। नहीं लला, काम तो कई सालों से बंद है, मेरी बनाई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, यानी लाख की चूड़ियाँ कोई नहीं पहनता है, गाँव गाँव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, कि वे देखिए आज का युग कैसा है, मशीन युग है और हर व्यक्ति को मशीन की बनी हुई चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। तो कह रहा गाँव में भी जो लड़के लेडीज़ हैं उन्होंने लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियाँ पहननी शुरू कर दी थी। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जाते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख की चूड़ियों में कहाँ पर संभव है। तो ये बदलू काका जो है, जो कि उस बच्चे को जो बड़ा हो चुका है जनार्दन को, ये सारी बातें बता रहे थे। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर भी होता है, ये लला कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है, अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों पर माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, मतलब उसे पता लग गया कि वो बच्चा क्या सोच रहा है। तो उसने कहा कि मुझे दमे की बीमारी नहीं है, फसली खांसी हो गई है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत ही बड़ी व्यथा छुपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। देखिए यहाँ पर जो औद्योगिकरण हुआ है, मशीनीकरण हुआ है, वो हमारे लिए अच्छा तो है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उससे कितनी बेरोजगारी फैलती है। कि बदलू काका के बनी हुई हाथ की लाख की चूड़ियाँ सभी लेडीज पहनती थी, लेकिन मशीन के आने से उनका काम जो है वो बिल्कुल बंद हो गया। कुछ देर फिर शांति रही और मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका, कुछ देर पश्चात मैंने विषय का बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी का आवाज़ दी। अरे रज्जो, बदलू काका की बेटी का नाम क्या था, रज्जो था। लला के लिए आम तो ले आओ, फिर मेरी ओर मुताबिक होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तो ये बदलू कह रहा भी, मैं तुम्हें बचपन में भी तुम आम खाते थे मेरे पास आकर, मैं तुम्हें बिना आम खिलाए नहीं जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखा करता था। बचपन में उस छोटे से बच्चे के लिए बदलू काका मलाई बचाकर रखते थे। गायें तो अच्छी हैं ना काका, मैंने पूछा। गायें कहाँ हैं लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में बदलू काका की बेटी रज्जो बाहर अंदर से बाहर आती है। उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र खाता था तो इसके चौगुने आम भी एक टाइम में खा जाता था। बदलू कह रहा है कि बेटा खा लो, मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो इस समय में बहुत ही चौगुने आम तुम खा लेता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया।
अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर, यानी कि हाथ में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिटक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ जो है वो बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रखे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चलाया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों जैसा ना था जो आसानी से टूट जाए। यानी बदलू ने अपने व्यवसाय को बंद जरूर कर दिया, लेकिन वो अपने व्यवसाय से मुड़ा नहीं और उसने छोटे मोटे जो काम आए वो करता रहा। तो ये हमारा चैप्टर था कांच लाख की चूड़ियाँ, और इसके जो लेखक थे वो थे कामता नाथ। लाख की चूड़ियाँ के लेखक कौन हैं? कामता नाथ जी हैं। अब बात करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न की। तो अभ्यास प्रश्न का वीडियो भी मैं इसके साथ ही आपको सेंड कर रहा हूँ और इसके साथ ही अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, ताकि उसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी आप कर लें। तो पहले आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखें, अच्छी तरह इस कहानी को पढ़ें, लाख की चूड़ियाँ को। क्लास 8th का चैप्टर है ये, हिंदी का चैप्टर 2nd, और इसको पढ़ने के बाद इसके अभ्यास प्रश्न भी हम करेंगे। थैंक यू।